देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। भारत के स्मॉग से परेशान होकर जब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का भी दम घुटने लगा, मतलब कि जब वो अमेरिका को प्रदूषण के मामले में भारत से बेहतर बताने लगे, तो ऐसे में जल्द ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रवेश करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खोलना जरूरी हो गया है। और आंखें तभी खुलेंगी जब उनके सामने ये आंकड़े होंगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि चीन, रूस और भारत की हवा बेहद खराब है, जबकि अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन सबसे कम है। अब ट्रंप के इस दावे पर थोड़ा आरएनजी करते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। तो आंकड़ों पर अगर गौर करें तो वो ट्रंप से उलट ही कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का नाम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ रहा है। मतलब कि दुनिया की आबादी में जितना उसका हिस्सा है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका कार्बन उत्सर्जन करता है। 21वीं सदी में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तो बढ़ा ही है। यूरोपियन यूनियन के आंकड़े बताते हैं कि ग्लोबल स्तर पर चीन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है, जबकि ग्लोबल एमिशन में उसकी हिस्सेदारी 30% से ज्यादा की है। अमेरिका उत्सर्जन के लिए 13.43% एमिशन के लिए जिम्मेदार है। वहीं ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट में भारत का हिस्सा 6.83% है, जो रूस और जापान जैसे देशों से ज्यादा है। इन आंकड़ों से हमारा ये कहना नहीं है कि भारत की स्थिति ठीक है। भारत की स्थिति खराब जरूर है, लेकिन ट्रंप के दावों के उलट अमेरिका से बेहतर है। साल 2018 में अमेरिका ने 6.7 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। ये हाल तब है जब यूरोपियन यूनियन ने साल 2050 और चीन ने साल 2060 तक ऐसी गैसों के एमिशन को जीरो करने का टारगेट तय किया है, जबकि अमेरिका ने इस तरह के किसी भी इरादे को कभी दुनिया के सामने नहीं रखा। आबादी के हिसाब से प्रदूषण फैलाने की बात करें तो भी अमेरिका इसके लिए दोषी देशों की टॉप 5 सूची में शामिल है। अमेरिका में हर व्यक्ति एक साल में औसतन 16.56 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस लिस्ट में सऊदी अरब टॉप पर है, जहां प्रति व्यक्ति सालाना 18.48 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत इस लिस्ट में 21वें नंबर पर है। यहां एक साल में प्रति व्यक्ति औसतन 1.96 मीट्रिक टन CO2 दर्ज किया जाता है। मतलब कहां अमेरिका टॉप 5 देशों में शामिल है, वहीं भारत टॉप 20 में भी नहीं आता। उसके बाद अब द एमिशंस डेटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च के मुताबिक बात करें तो साल 2019 में की गई रिसर्च में कहा गया है, जब कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर देशों की लिस्ट जारी की गई थी तो उसमें कम आबादी के बावजूद अमेरिका सालों तक चीन और भारत से ज्यादा CO2 छोड़ता है, इस बात का खुलासा हुआ था। दुनिया की आबादी में USA का जितना हिस्सा है वो उससे 3 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। मतलब कि आंकड़ों से साफ है कि एक भारतीय की तुलना में 3 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाता है एक अमेरिकी नागरिक। हमें लगता है कि आंकड़े ट्रंप की बोलती बंद करने के लिए काफी हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बहस हुई और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने जो बाइडेन को काउंटर करने के लिए ऐसा दावा किया था, जो आंकड़ों से बिल्कुल उलट है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन है, फिर कहते हैं कि चीन को देखिए वहां की हवा कितनी दूषित है, रूस को देखिए, भारत को देखिए वहां की हवा कितनी गंदी है। ट्रंप के इस बयान से आंकड़े तो बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। तो ट्रंप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि इलेक्शन जीतने के लिए वो किसी भी देश को बलि का बकरा बना लेंगे और उलझुल बातें करेंगे तो कोई उस पर तथ्यात्मक बात नहीं करेगा। ट्रंप को पता होना चाहिए कि अगर वो खुद के सामने दूसरे देशों को गिराने का काम करेंगे तो दूसरे देश उनकी सच्चाई को उजागर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ट्रंप अगली बार भारत पर उंगली उठाने से पहले 2 बार जरूर सोच ले। फिलहाल आप इन आंकड़ों को लेकर और ट्रंप के बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।